जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान, और ये सब्जेक्टिव बुक है ज्योग्राफी का। तो आज हम पढ़ेंगे सूर्य ताप, मीन्स आइसोलेशन। दिया गया है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर विकिरण ऊर्जा को सूर्य ताप कहते हैं। यह ऊर्जा लघु तरंग के रूप में सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचता है। किस फॉर्म में? लघु तरंग के रूप में। और इसको पहुंचने में कितना टाइम लगता है? कई बार रिपीट कर चुके हैं, 500 सेकंड, यानी तो 8 मिनट 20 सेकंड। वायुमंडल की बाहरी सीमा पर सूर्य से प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर 1.94 कैलोरी ऊष्मा होता है। कभी भी जो ऊष्मा मेजर किया जाता है वो प्रति मिनट प्रति यूनिट पे मापा जाता है, वो कितना है? 1.94 कैलोरी। यहाँ से एक चीज़ और आया कि उष्मा किस में मापा जाता है? कैलोरी में। याद रखना, उष्मा किस में मापा जाएगा? कैलोरी में। धरातल पर प्राप्त सूर्य ताप की मात्रा में उष्मा कटिबंध में 320 वाट प्रति वर्ग मील से लेकर 70 वाट प्रति वर्ग मील की भिन्नता पाई जाती है। सब इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, इस लाइन से बस इतना याद रखो कि उष्मा किसे मापते हैं? हम कैलोरी में मापते हैं, और अधिक आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। सबसे अधिक सूर्य ताप उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल से प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ मेघा छद्म बहुत कम पाया जाता है। ये आपके लिए सही है। सबसे अधिक कहाँ होगा? उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल में सबसे अधिक टेम्परेचर देखने को मिलता है। सबसे अधिक टेम्परेचर लीबिया में देखने को मिलता है। हालांकि सामान्यतः एक ही अक्षांश पर स्थित महाद्वीपीय भाग पर अधिक और सागरीय भाग पर अपेक्षाकृत ये कम मात्रा में सूर्यताप प्राप्त होता है। महाद्वीप पे क्या होगा? अधिक सूर्यताप प्राप्त होगा, और महासागर में क्या हो रहा है? सूर्य का ताप कम प्राप्त हो रहा है। ये लैंड आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा में 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब वो जो सूर्य पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पर झुका हुआ है, वो कितना झुका हुआ है? 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, जो विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाले सूर्य ताप की मात्रा को बहुत प्रभावित करता है। यही कारण है कि हर एक जगह क्या होता है, दिन और रात का जो टेन्योर होता है वो कम अधिक होता है। ये लैंड इसलिए इंपॉर्टेंट है, कितना झुका हुआ है? 66.5 डिग्री का कोण बनाता है वो। किसी भी सतह को प्राप्त होने वाली सूर्य ताप की मात्रा एवं उसी सतह से परावर्तित हो जाने वाली सूर्य ताप की मात्रा को, मीन्स उस बीच के अनुपात को क्या कहा जाता है? एल्बिडो कहते हैं। इस लाइन को पढ़ लेते हैं। प्रश्न आता है कि एल्बिडो क्या होता है। किसी भी सतह को प्राप्त होने वाले सूर्य ताप की मात्रा एवं उसी सतह से परावर्तित की जाने वाली सूर्य ताप की मात्रा के बीच के अनुपात को एल्बिडो कहते हैं। नहीं समझे हो तो फिर से देखो। जैसे मान लो ये धरती है, मतलब इस जगह की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से जो लाइट आया, मान लेते हैं 4.2 कैलोरी का लाइट आया, उसमें इतना आया, और रिफ्लेक्ट होते टाइम क्या होगा? कुछ ना कुछ तो कम हो जाएगा, क्योंकि कुछ धरती क्या करता है? अवशोषित कर लेता है, क्योंकि धरती ठंडा है, थोड़ा वो अवशोषित करेगा, संवहन करेगा। तो मान लो 3.2 रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इस दोनों का जो अनुपात होगा ना, जैसे 4.2 रेशियो कर दो 3.2, यही क्या होता है? एल्बिडो होता है। आपसे बस यही टर्न पूछेगा, एल्बिडो क्या है? ऑप्शन बड़ा अजीब अजीब देगा, ये एक सर्वर है ऐसा ऐसा दे देगा, तो आप आसानी से टिक कर पाओगे कि सूर्य ताप आने और उसके परिवर्तन होने के अनुपात को क्या कहा जाता है? एल्बिडो कहा जाता है। सौर विकिरण का वह परिवर्तन लघु तरंग में ही होता है। हमेशा सूर्य का जो तरंग होगा वो लघु तरंग में ही होगा। वायुमंडल की वह सीमा पर प्राप्त होने वाले सौर विकिरण का लगभग 32% भाग बादलों की सतह से परावर्तित तथा धूल कणों से प्रकीर्णित होकर अंतरिक्ष में लौट जाता है। कितना? 32%। और जब जितना वो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जाएगा, ये जो परावर्तित टेम्परेचर है वो क्या होगा? कम होता चला जाएगा। सूर्य ताप का लगभग 2% भाग धरातल से परावर्तित होकर अंतरिक्ष में वापस चला जाता है। इस प्रकार सौर विकिरण का 34% भाग धरातल को गर्म करने के काम में नहीं आता। मतलब 34% क्या होता है? वापस आ जाता है। बहुत अधिक नहीं जानना है, बस ये जानना है कि 2% भाग जो है सूर्य ताप का, लगभग 2% भाग धरातल से परावर्तित होकर अंतरिक्ष में वापस चला जाता है। हालांकि इससे इतना डिफिकल्ट प्रश्न आपसे पूछा नहीं जाएगा, बस जान लो ये सब चीज़। पूर्ण मेघाच्छादन के समय सूर्य के प्रकाश में कमी का मूल कारण परावर्तन होता है, ना कि अवशोषण। जब पूरी तरह से बादल लगा होता है तब सूर्य का प्रकाश जो कम हो जाता है, उसका मेन कारण क्या है? परावर्तन, ना कि अवशोषण।
सूर्य सौर्य के विकिरण द्वारा प्रसारित ऊर्जा का 51% भाग प्राप्त करता है। वायुमंडल सौर्य की ऊर्जा का केवल 14% भाग ही ग्रहण कर पाता है। वायुमंडल गर्म और ठंडा निम्न विधियों से होता है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इन विधियों से होता है। पहला इसमें दिया गया है चालन मीन्स कंडक्शन। जब असमान ताप वाली दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती है तो अधिक तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु की ओर ऊष्मा का प्रवाहित होता है। ऊष्मा का यह प्रवाह तब तक चलता है जब तक दोनों वस्तुओं का तापमान एक जैसा ना हो। वायु ऊष्मा का कुचालक है। अच्छा, यहाँ तक पहले समझ लेते हैं क्या लिखा है। जैसे कि मान लो आपने क्या किया, एक बकेट में पानी डाल दिया, इतना पानी कि आपका ठंडा है, ठीक है ना। और फिर से क्या करोगे, उस पर और गर्म पानी डाल दोगे। जब कुछ देर छोड़ दोगे तो क्या आपको मिलेगा कि ये पूरा जो बकेट का पानी है वो क्या होगा, एक फिक्स टेम्परेचर में आ गया। मतलब क्या होगा कि गर्म पानी जो था ठंडे पानी को थोड़ा थोड़ा गर्म करता चला गया और पूरा पानी क्या हो गया, एक टेम्परेचर में आ गया। हमेशा गर्म से ठंडे की तरफ वो क्या होता है, मूव करता है। यही पे लिखा गया है कि उसी को क्या कहा जाता है, कंडक्शन कहा जाता है। वायु क्या होता है, ऊष्मा का कुचालक है, अतः चालन प्रक्रिया वायुमंडल को गर्म करने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। याद रखना वायु क्या है, ऊष्मा का कुचालक होता है। वायुमंडल को मतलब ऊष्मा कुचालक इस सेंस में होता है, जैसे देखो अब हम तुमको मतलब इमेजिन करो कि नहीं, अगर सिंपल शब्दों में समझोगे कि हवा तो गर्म भी होता है, कभी जब बहता है हवा तो गर्म हवा भी बहता है, ठंडा भी बहता है, तो हवा क्या होना चाहिए, ऊष्मा का सुचालक होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो ऐसे समझो, कुचालक और सुचालक क्या होता है ना, जैसे कि एक वायर है, यहाँ पर हमने क्या क्या करंट पास किया, तो यहाँ पर क्या होगा, करंट आएगा अगर ये सुचालक होगा। तो अगर मान लो इसमें हमने लोहे का ये जोड़ दिया, लोहे तो करंट आ जाएगा। एक मान लो लकड़ी का मैंने जोड़ दिया, तो यहाँ से करंट पास होगा, नहीं पास होगा। इसका मतलब क्या बोलते हैं कि ये जो लकड़ी है इलेक्ट्रिसिटी का कुचालक है, यही बोलते हैं। अब एक चीज़ करो कि गर्म, यहाँ पे मैंने आग जला दिया, ठीक है ना, आग जला दी, ये मान लो आग है, और यहाँ पे मैंने कुछ रख दिया है, यहाँ से यहाँ तक हीट ट्रांसफर होकर इसमें आ जाएगा, आएगा बहुत कम होगा। तो ये बीच में जो हवा था इसके कारण ये गर्म नहीं हो पाया, लेकिन ये डायरेक्ट अगर हम आग में देंगे क्या हो, गर्म हो जाएगा। इसीलिए वायु क्या होता है, ऊष्मा का कुचालक माना जाता है। थोड़ा बहुत सुचालक तो होगा ही, क्योंकि उसमें क्या होता है, इम्प्योरिटीज होता है, इसीलिए वो ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन क्या होगा, वायु क्या होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है। इस चीज़ को याद रखना। ऐसे ही एक प्रश्न और आता है कि शुद्ध पानी जल जो है वो क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन अशुद्धि के कारण क्या है, वो विद्युत का सुचालक हो जाता है। पर याद रखना जल क्या होगा, विद्युत का कुचालक होगा। यहाँ पे लिखा है, अतः चालन प्रक्रिया वायुमंडल को गर्म करने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। वायुमंडल के निचली परत को गर्म करने में चालन महत्वपूर्ण है। वायुमंडल गर्म किस शुरू से होता है, चालन से मीन्स कंडक्शन से। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बस मतलब हीट का जो ट्रांसफर हो रहा है वायु में वो किस प्रोसेस से हो रहा है, चालन से, कंडक्शन से। ये बस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब है आपका संवहन मीन्स कन्वेक्शन। पृथ्वी के संपर्क में आयु वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत उठती है और वायुमंडल में ताप का संचरण करती है। वायुमंडल के लंबवत तापन की यह प्रक्रिया संवहन कहलाती है। लंबवत तापन मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आप किसी भी लोहे को ही गर्म करते हो तो उसमें क्या होता है कि अणु का ट्रांसफर होता है, गर्म अणु क्या होता है, दूर फैलता है और धीरे धीरे वो पूरे को गर्म कर देता है। लेकिन जब आप पानी को गर्म करते हो या हवा को गर्म करते हो, तो जैसे मान लो इसके नीचे मैंने आग जला दिया, तो वो नीचे का पानी गर्म हो रहा है, फिर वो क्या हो रहा है, ऊपर जाएगा और ठंडा पानी क्या होगा, नीचे आएगा, इससे क्या होता है, वो पूरा गर्म होता है। तो वही होता है यहाँ पे आपका संवहन होता है, कन्वेक्शन होता है। इसी को क्या कहा जाता है, लंबवत तापन की प्रक्रिया को संवहन कहा जाता है। जब वायुमंडल के निचली परत भौमिक विकिरण अथवा संचालन से गर्म हो जाती है तो उसकी वायु फैलती है और उससे क्या होता है, उसका घनत्व कम हो जाता है। और जब भी क्या होगा, घनत्व कम होगा तो वो क्या होगा, हल्का होगा और ऊपर उठने लगेगा। इस कारण जो भारी वायु होगा मीन जिसका उसमें अधिक होगा वो नीचे जाएगा और नीचे आते आते क्या होगा, उसका स्थान ले लेगा और फिर वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो वायु जो गर्म होता है वो क्या होता है, संवहन के कारण होता है। इंपॉर्टेंट है, अगर आपको इसमें डिफरेंस करने में थोड़ा भी कहीं दिक्कत हो, एग्जाम में दिक्कत हो जाता है, तो आप याद रखना कंडक्शन जो चूल्हा आता है वो क्या होता है, लोहे का बना होता है। लोहे को गर्म करेंगे हम कंडक्शन से, और जब पानी होगा और यानी तो हवा होगा उसको हम कन्वेक्शन से गर्म करेंगे, ठीक ना। मतलब बेसिक समझो, ठोस को हम गर्म करेंगे मीन सॉलिड को गर्म करेंगे कंडक्शन से, और लिक्विड और गैस को संवहन से। अब दिया गया है, संवहन द्वारा
ऊर्जा का स्थानांतरण केवल क्षोभ मंडल तक ही सीमित है। जितने भी मंडल हैं उसमें क्षोभ मंडल तक ही, सबसे निचला मंडल था क्षोभ मंडल, वहीं तक सीमित है। संवहन द्वारा ऊष्मा का संचरण केवल गैसीय और तरल पदार्थों में होता है, क्योंकि इसमें अणुओं के बीच का बंधन क्या होता है, कमजोर होता है। यह प्रक्रिया ठोस पदार्थों में नहीं होती, ये मैंने जिक्र किया था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठोस पदार्थ में क्या होता है, कंडक्शन होता है, ठीक है ना, चालन होता है, और इसमें क्या होता है, संवहन, कन्वेक्शन होता है। अब तीसरा दिया गया है विकिरण, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने को विकिरण कहते हैं। किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने को, इसमें ना तो कंडक्शन हो रहा है ना ही कन्वेक्शन हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। उदाहरणतया सूर्य से प्राप्त होने वाली किरणों से पृथ्वी तथा उसके वायुमंडल का गर्म होना, पृथ्वी द्वारा प्राप्त परिवेशी सौर विकिरण लघु तरंगों के रूप में होता है, पृथ्वी की सतह को गर्म करता है, पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाता है और वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगता है। यह ऊर्जा वायुमंडल के नीचे से गर्म करती है। यह प्रक्रिया को पार्थिव विकिरण कहते हैं। इतना नहीं जानना है आपको, बस ये जानना है कि सन का जो हीट धरती तक पहुंचता है वो कौन से अभिक्रिया के तरह आता है, तो विकिरण, विकिरण के तरह, ठीक है ना। दीर्घ तरंग दैर्ध्य देखो थोड़ा बहुत डायग्राम से समझ लो, जैसे मान लो ये पृथ्वी होता है ना, यहाँ पे सन का लाइट आया तो कुछ क्या होता है, 2% मैंने पढ़ा कि इसको ये अवशोषित कर लेता है, फिर और रिफ्लेक्ट हुआ, फिर अगर ऊपर मान लो क्लाउड है तो उससे भी थोड़ा रिफ्लेक्ट हो जाता है, और अगर ग्रीन हाउस गैस आ गया, यहाँ पे जिक्र किया ग्रीन हाउस गैस का, तो वो क्या करता है, बहुत अधिक रिफ्लेक्ट कर देता है, तो यहीं पर वायु क्या होगा, हीट घूमने लगा और टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर ग्रीन हाउस गैस कम हो तो ये क्या होता है, कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट होगा और फिर क्या होता है, वापस चला जाता है, तो धरती पे क्या होगा, टेम्परेचर कम रहता है। लेकिन ग्रीन हाउस गैस आने से क्या होता है, सूर्य का ताप जो होता है पृथ्वी पर ही घूमता रह जाएगा और क्या होगा, ये काफ़ी गर्म हो जाएगा। चौथा टर्म दिया गया है अभिवहन, एडवेक्शन। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है। क्षैतिज संचलन से, लंबवत संचलन की अपेक्षा वायु का क्षैतिज संचलन सापेक्षिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण होता है। क्षैतिज जो होगा वो अधिक इफेक्टिव होगा। मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली भिन्नताएं केवल अभिवहन के कारण होता है। गर्म वायु राशि जब ठंडे इलाके में जाती है तो इन्हें गर्म कर देती है। गर्म वायु राशि जब ठंडे इलाके में जाएगी तो इन्हें गर्म कर देगी। इससे ऊष्मा का संचार निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों से उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों तक भी होता है। वायु द्वारा संचालित समुद्र धाराएं भी ऊष्मा कटिबंधों से ध्रुवीय क्षेत्रों में ऊष्मा का संचार करती। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, कि जैसे लिखा है गर्म वायु राशि जब ठंडे जगह में जाएगा तो उसे गर्म कर देगा। ये देखो सही है पर बहुत अधिक सही नहीं है, क्योंकि कभी भी जो टेम्परेचर का जब मिलान होता है ना, जैसे मान लो ये 20 डिग्री टेम्परेचर है और इधर का टेम्परेचर -20 डिग्री है, तो दोनों को जोड़ दो ये क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो क्या किस क्या हम कहेंगे, ये ठंडा हुआ ये गर्म हुआ, तो ये कहना असंभव है कि ये ठंडा हुआ कि ये गर्म हुआ। तो इसीलिए ये कहना कि गर्म वायु राशि, अब जिसका परसेंटेज अधिक होगा, जैसे कि मान लो ये है 40 डिग्री टेम्परेचर का और यहाँ पे था 10 डिग्री टेम्परेचर का, तब आप कर सकते हो, इस दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड दो, कितना हो जाएगा, मीन्स 50/2 25 हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, थोड़ा गर्म हुआ, तब आप बोल सकते हो गर्म हुआ। लेकिन अगर ठंडा वाला अधिक ठंडा है तब नहीं हो सकता है, ठीक ना, समझ लो इस चीज़ को। नोट में दिया गया, उष्णकटिबंध प्रदेश में विशेषतः उत्तरी भाग में गर्मियों में चलने वाला स्थानीय पवन लू अभिवहन का उदाहरण है। अब ये छोटा टॉपिक है, पृथ्वी का ऊष्मा बजट ये पढ़ लेते हैं, खत्म कर देते हैं इसको। मान लें वायुमंडल के ऊपरी सतह पर प्राप्त सूर्य ताप 100 इकाई है। इन 100 इकाई में से 35 इकाई पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है। इसका मतलब जैसे धरती हुआ, ये वायुमंडल है, ठीक ना, ये सन का लाइट आया, यहीं से क्या हो, थोड़ा परिवर्तित हो जाता है, मीन्स 35 इकाई क्या हो गया, परिवर्तित हो गया, कितना बचा, 65 इकाई क्या हो गया, बच गया है, जो धरती की तरफ आ रहा है अब वायुमंडल से होते हुए। नेक्स्ट दिया गया है, सौर विकिरण की इस परिवर्तित मात्रा को पृथ्वी का एल्बिडो कहा जाता है, और जो मीन्स लाइट अब धरती पे आ रहा है उसे हम क्या कहेंगे, एल्बिडो, मीन्स 65 इकाई जो है वो क्या हो गया, एल्बिडो है। अब यहाँ पे लिखा है प्रथम 35 इकाई को छोड़कर बाकी 65 इकाई अवशोषित हो जाती है, ठीक है, 14 वायुमंडल में और 51 पृथ्वी धरातल द्वारा, उसमें से 14 इकाई जो था, 65 में से 14 इकाई वो वायुमंडल उसको अवशोषित कर लेगा, वायुमंडल भी तो गर्म होगा। फिर 51 इकाई क्या है, धरातल द्वारा पृथ्वी द्वारा अवशोषित ये 51 इकाई पुनः पार्थिव विकिरण के रूप में लौटा दी जाती है।
फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसमें से 17 इकाई तो सीधे अंतरिक्ष में चला जाएगा, मतलब वापस होके अंतरिक्ष में चला जाएगा। पर यहाँ पे एक चीज़ समझो, अगर ग्लोबल वार्मिंग नहीं है तब 17 इकाई वापस जाएगा, अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, 17 इकाई नहीं जाएगा उससे कम, घटता चला जाएगा। और ये जितना घटेगा, ये जो रिफ्लेक्शन होकर जो घटेगा वो क्या होगा, टेम्परेचर आपका बढ़ाएगा। और 34 इकाई वायुमंडल में अवशोषित हो जाती है, 6 इकाई स्वयं वायुमंडल द्वारा, 9 इकाई संवहन के जरिए और 19 इकाई संघनन की गुप्त ऊष्मा में। इतना आपको फैक्ट नहीं जानना है, बस ये जानो कि ये जो 34 इकाई जो वापस जा रहा था, हाँ 34 इकाई जो वापस जा रहा था वो अगर कम हो रहा है ना, इसका मतलब क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। वायुमंडल द्वारा 48 इकाइयों का अवशोषण होता है, जिसमें 14 इकाएं सूर्य ताप की और 34 इकाएं पार्थिव विकिरण की होती है। वायुमंडल विकिरण द्वारा इसको भी अंतरिक्ष में वापस लौटा दिया जाता है। अतः पृथ्वी के धरातल और वायुमंडल से अंतरिक्ष में वापस लौटने वाली विकिरण की इकाई क्रमशः 17 और 48 होती है, जिनका योग 65 होता है। ये आपको यहाँ पे हल्का हल्का मैथ पढ़ा दिया गया है। वापस लौटने वाली ये इकाई उन 65 इकाइयों को संतुलन कर देती है जो सूर्य से प्राप्त होती है। यह पृथ्वी का ऊष्मा बजट और ऊष्मा संतुलन है। ऊष्मा बजट और ऊष्मा संतुलन मिलने, ये समझो अगर ग्राफली, एक बार मैंने बताया भी था अभी कुछ देर पहले, जैसे सन का लाइट आया, कितना ये अवशोषित किया, कितना ये रिफ्लेक्ट कर दिया, उसी को कहा जाता है ऊष्मा बजट, ठीक ना। और ऊष्मा संतुलन के लिए इसमें जो भी कारक काम कर रहा है, जैसे कि टेम्परेचर हम लोग का धरती पे कितना होता है, अप्रोक्स 25 से लेकर हम 35 तक लिखते हैं, ये क्या हो गया, ऊष्मा संतुलन हुआ। इसमें मेंटेन करने के लिए जो सब सब्सटेंस काम कर रहे हैं, जैसे कि आपका ऑक्सीजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, पेड़ पौधे हुए, तो वो सब क्या हो गया, इसका ऊष्मा संतुलन हुआ, ठीक ना। तो नेक्स्ट आपका तापमान है, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये इस वीडियो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत अधिक इंपॉर्टेंट नहीं था, पर हाँ एक दो टर्म इंपॉर्टेंट था जो आपके लिए एग्जाम में महत्वपूर्ण था। तो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आया हो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कारण जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।